क्या है ये तो बता दो। तू तो अपने फर्स्ट अल्फाबेट में ही गोलमाल करती। वही तो, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ कि मेरा एक चीज गिराने से लोग इसको तुम क्या बोलेगा। अरे सब बोलना नहीं है, बार बार सेंसर होगा। गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। अर्ज किया है, वेदर काफी शाई है, एनर्जी भी काफी हाई है, लो नए फूड चैलेंज के साथ सिंपल फूडी आई है। तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में खाने वाली हूँ, तो उसमें गेस माई नेम क्या है। So a lot of you might know my name. I think 20% people knows my name and 80% people still don't know me apart from Sinful Foodie. So हर वीडियो में क्या होता है, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, देखते वक्त भूख लगती होगी तो आप मुंह चला लेते होंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो कुछ ऐसी की जाए जिसमें आपका मुंह भी चले और आपका दिमाग भी चले। So वीडियो में मैं खाने वाली हूँ लेकिन गेम आप लोग खेलने वाले हो, दैट इज यू गोना सॉल्व द पजल थ्रू द एंटायर वीडियो एंड गेस माई नेम। तो उसके रूल्स क्या है नीचे जाके बता दियो क्योंकि यहाँ बारिश हो रहा है। चलो चलो। सो गेम का रूल ऐसा है कि एज यूजुअल जैसे 24 आवर चैलेंज में हम 4 मील्स खाते हैं, वैसे मैं 4 मील खाऊंगी। नाउ वीडियो स्टार्ट होने से पहले हिंट दे देती हूँ, मेरे नाम में 8 अल्फाबेट है, तो उसको मैंने 2-2 अल्फाबेट में पर मील डिवाइड किया। सो हर मील में मैं 2 अल्फाबेट के खाने खाऊंगी। तो ये आप लोगों को दिमाग लगाना है कि वो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा। सपोज मेरा नाम अगर अंजलि होता तो मैं अगर सुबह एप्पल खाती तो मैं एप्पल खा रही हूँ नॉर्मल, तो आपको फर्स्ट लेटर पता चल गया कि ए है। फिर एन से मैं खा रही हूँ नाचोस, तो आपको पता चल गया एन है, तो अंजलि ऐसे करके होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बिटू को समझ में आया। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरे नाम के सारे अल्फाबेट्स मिल जाएंगे इन फॉर्मेट लाइक अल्फाबेटिकली एंड आप मेरा नाम जान जाएंगे। सो फाइनली टुडे आई एम गोना रिवील माय नेम विद अ डेडिकेटेड वीडियो। ऐसा कौन करेगा बताओ। तो आज की वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए स्पेशली। तो फिर चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 350,000 फूड फैमिली एंड ढेर सारा लाइक और प्यारे पॉजिटिव कॉमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा वीडियो पे। तो फिर चलिए हम बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। सो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं जो डिश बना रही हूँ उसके लिए हमने यहाँ पर दही लिया है। इसमें हम डालेंगे चॉप टोमेटोज, चॉप अनियन, चॉप्ड मिंट लीव्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला। इस पर डालूंगे 2 ढक्कन पानी, मिक्स। सो ये आइटम रेडी है और ये मेरे नाम का सेकेंड अल्फाबेट है। तो ये फूड आइटम जो मैं बना रही हूँ मेरे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है ना। लास्ट वीडियो में मैंने ये बनाया था, कच्चा रह गया था, तो इस वीडियो में मैंने ठान लिया है कि मेरा शेप भले इस आइटम का शेप भले एलियन जैसा हो बट ये पतला पतला बने और अच्छा बने। ये क्या बने मुझे नहीं पता, एक्स बन गया एक्स। ये वाला जो आइटम मैं बना रही हूँ ये गोल शेप में भी आता है, स्क्वायर शेप में भी आता है, ट्राइंगल शेप में भी आता है। गेस करो इस फूड आइटम को, तो मेरा नाम का फर्स्ट अल्फाबेट मिल जाएगा। तू तो अपने फर्स्ट अल्फाबेट में ही गोलमाल करती। वही तो मैं बोल रही हूँ गाइस, इसका शेप पे मत जाना। हाँ ये मैंने लास्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को हिंट दे दे रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, गलत बना था। इस बार भी मैं बहुत गंदा वाला फेल की हूँ, बन ही नहीं पाया वो। ये मेरे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है, इसको प्लीज सही से गेस कर लेना। फिर इस डिश का नाम मेरे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है और इस डिश का नाम मेरे नाम का सेकेंड अल्फाबेट है, तो प्लीज एटलीस्ट फर्स्ट तो तुम लोग गेस कर लेना राइट, नहीं तो फिर बोलोगे आप ठीक से करे ही नहीं, हम कैसे गेस करें। क्या बन गया। मम्मी हमेशा देती है, लंच में देती है, अचार के साथ देती है, समझ में आ गया ना, बहुत सारा हिंट दे दिया। चलो तो चलो ये गर्मा गर्म फर्स्ट अल्फाबेट को तोड़ते हैं और इसको ठंडी ठंडी सेकेंड अल्फाबेट में डिप करके मेरे नाम के 2 अल्फाबेट को खा लेते हैं। बाहर बारिश हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। प्याज, पुदीना और टमाटर का क्रंच अलग विद दही एंड चटपटा मसाला इज अमेजिंग। नाउ दिस इज वेरी सेवरी एंड दिस इज क्वाइट सार एंड स्पाइसी। तो ये जो खस्ती खस्ती ये आइटम इस ठंडी ठंडी डिश में जा रही है, वाह, दोनों का कॉम्बिनेशन इज फैबुलस।
ये क्या हो गया? ये देखो मेरा अजीब ही अजूबा बन गया। So, ये आ गया मेरा लंच। लंच में आपको दिख रहा होगा ये दो क्यूट क्यूट सा एक डिश है, उसके साथ ये खाते हैं, ये एक डिश है और ये एक डिश है। अब आप सोचोगे कॉम्बिनेशन कितना ऑड है, क्या करूँ, मेरा नाम है ना तो मैं खुद भी इतनी ऑड हूँ तो मेरे नाम के अल्फाबेट्स भी बहुत ऑड है। ये जो डिश है वो मेरे नाम का थर्ड अल्फाबेट लेटर है एंड ये जो है वो मेरे नाम का फोर्थ अल्फाबेट लेटर है। तो अब आप लोग गेस करो, चार अल्फाबेट हो चुका है, आप लोग गेस करो मेरे आधा नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तब तक मैं खा लेती हूँ। वाह, आई लव सांबर। सांबर बोल सकती हूँ, सांबर से रिलेटेड कुछ है नहीं मेरे नाम के अल्फाबेट में। ये मेरे नाम का फोर्थ अल्फाबेट है जिसको मैं खा रही हूँ। इट्स गुड, लेट्स टेक दिस आइटम। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स राइसी, इट्स कर्डी, इट्स लिटिल सार इन टेस्ट, अच्छा लगता है। एंड जब इसको हम सांभर में डिप करते हैं एंड दोनों को कॉम्बिनेशन इज फैबुलस, वेदर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा। वैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में आपको सिर्फ अपना दिमाग ही चलाना है, दिमाग के साथ साथ मुंह भी चला सकते हैं। कुछ अच्छा खाना ले लीजिए, मेरे साथ खाइए। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को ये वीडियो करके, जहाँ मैं यू नो खाने का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे को भी बहुत कॉन्शियस होकर खाना पड़ रहा है कि गलती से नाम ना ले लूँ, तब तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। चलो मेरा लंच फिनिश हो चुका है और मैंने आधे अल्फाबेट्स बता भी दिए हैं अपने नाम के, तो थोड़ा सा काम करके रेस्ट करके आपसे शाम को मिलती हूँ विद द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स। So weather as usual काफी 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 सुनहरा है and it's amazing weather. So for my second next two alphabet wait a second बहुत आवाज़ है। So हम निकल चुके हैं बाहर for my next two alphabet. Now let's see next two alphabet वाला खाना जो मैंने सोचा है वो मेरे को मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि 6 बजे तक सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर का हवा भी ले लेते हैं एंड बाहर खा भी लेते हैं। Let's see. अभी मेरे नाम का जो फिफ्थ अल्फाबेट लेटर है वो इसके नाम से, इसका जो नाम है वो फर्स्ट, इसका जो अल्फाबेट है वो मेरा नाम है, मैं क्या बोलूँ पता नहीं। मेरा फिफ्थ अल्फाबेट इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये मैं खा रही हूँ। ताज़ा है, कितना क्रिस्प आवाज़ आ रहा है। ना अभी जो नेक्स्ट आइटम मैं खा रही हूँ, दिस इज़ द सिक्स लेटर ऑफ माई नेम, सिक्स थी वन ना। अब ना इसमें लोग कन्फ्यूज़ होने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। ये देख के बिट्टू तेरा सबसे पहले नाम क्या था, ये क्या है? बोला नहीं है, तुम इशारा कर सकता है। समझ गया मैं, मेरे को तेरा नाम पता है, मेरे को पता है। जो मेरे नाम में अल्फाबेट है वो लोग बहुत कम ही बोलते हैं इसको और लोग दूसरा नाम सोचेंगे, बट मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, ये मेरा फेवरेट खाना है, फेवरेट। Wow, I love. फिर क्या बोलती हूँ, ये वही है। वरुण इसको तुम क्या बोलेगा? ये सेंसर हो जाएगा। नहीं बोलना है। So why did you ask them? तुम वो क्यों नहीं बोलेगा जो सी से होता है? चाउमीन। अरे सब बोलना नहीं है, बार बार सेंसर होगा। ये मैंने हफ्ता डिश लिया है और ये डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना, गर्मा गर्म बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है आज। ये लेके मैंने 3 बार बोल दिया वेदर काफ़ी अच्छा है। दिस वीडियो इज़ हाईली स्पॉन्सर्ड बाय वेदर।
को। बाय द वे देखना बाद में, गेस करो नाम। नाम को ऑलमोस्ट 80% मैंने अल्फाबेट्स बता दिया है, सिर्फ 2 लेटर्स बाकी है। आप लोग गेस करो, तब तक मैं खाती हूँ। अभी हो गया है डिनर टाइम एंड डिनर में द रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स ऑफ माय नेम, उसका फर्स्ट दिस इज द 7th लेटर ऑफ माय नेम। इस डिश का जो फर्स्ट लेटर है वो 7th लेटर ऑफ माय नेम। अब इसको आप क्या बोलते हैं आप सोचो। एंड हियर आई हैव गॉट द लास्ट लेटर ऑफ माय नेम। सो यस, अब आप लोग सोचो इसका लास्ट ये लेटर क्या है एंड ये क्या है। मैं तो भाई खाती हूँ, आप लोग सोचो। सोचने का काम आज आप लोग करो, मैं खाने का काम करूँ। Wow, I love this red something which is like tempting. इसको हरी चटनी के साथ लगाते हैं, चटनी बोल सकते हो, चटनी इज नॉट रिलेटेड। Oh my god, this smells so good. The meat is so soft. अभी का फोरकास्ट बता। अभी का फोरकास्ट ये है कि वेदर एज यूजुअल सुबह से काफी सुहाना है, बहुत ही अच्छा है, और अभी भयंकर बारिश हो। ये टिक्का है, ये रेशमी है। अरे तू तो बोल दी। नहीं मैंने नहीं बोला, फूड फैम आर स्मार्ट, आई थिंक नाम तो सजेस्ट गैस कर ही ले गए। नाम क्या है ये तो बता दो, घर का पता क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ फयार। नाम क्या है, व्हाट्स माय नेम। माय नेम इज फूडी, सिंपल फूडी का पेट है इतना बड़ा कि खाना है अटता नहीं। देखो तो रैपर बनना चाहिए भाई। अब चलिए पीते हैं ये ड्रिंक जो बिट्टू भैया का फेवरेट है, फिजी एसिडिक। तू भी रोनाल्डो जैसा कर, फेक दे उसका पानी ले लूँ ना। हाँ, इन लोग का भी गिरा दे 4 बिलियन। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरा एक चीज गिराने से लोग एपिथीज की। ओह नो, बीप बीप। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ कि मेरे एक फीस गिराने से लोग पीना छोड़ देंगे। हो ही सकता है, तू प्रमोट तो कर, ट्राई तो कर। मैं इतना तो बोलती हूँ लोगों को पानी पियो, प्रमोट करती हूँ, पपीता प्रमोट करती हूँ। ट्रस्ट मी, पानी का, पपीता का, करेला बॉयल का मेरे को ना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। बारिश का मैं इनको फ्री में प्रमोशन देती हूँ। तो चलिए, अच्छा लगता है, मतलब बहुत दिन बाद पियो तो अच्छा लगता है। पर तू ज्यादा मत पी, तो अभी कुछ फॉलो कर लिए। सो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं वेट करूंगी आप सबका, बिकॉज आप लोग वैसे बहुत सारे अनोखे नाम भी देने वाले हो। एंड प्लीज, जैसे मैंने चीजों को खाया है उसी फॉर्म में आप कमेंट में लिख के दीजिएगा, लाइक जो नाम का अल्फाबेट और मैंने क्या खाया। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन, मतलब हु डिड इट बेटर। एंड 10 ऐसे कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। एंड आई होप आप लोगों की आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी हो और आपने काफ़ी सोचा होगा, खाया भी होगा मेरे साथ साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में विद सम डिलीशियस एंड येट इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। टिल देन आप जाइए, मेरा नाम गेस करिए, खाते खाते बाय।